हेलो दोस्तों, खुलुम भाई नमस्ते। आज मैं मटन का सब्जी बनाने के लिए जा रहा है, बस बनाएंगी। उसमें सब कुछ उसमें मिक्स किया हुआ है। जस्ट आप लोग देखो मैं कैसे बनाता है। सब लोग को आता है फिर भी अलग अलग होता है, इसलिए मैं भी सोच रहा है मेरी तरफ से बना के आप सबको दिखाने के लिए। ये अभी फ्रोजन है, उसको मैं पानी में भिगो के लेता है और तब तक गल जाएंगी। तब तक मैं प्याज और टमाटो को काट के ले चुका है। अभी मैं एक कटोरे में उसको निकाल के लेता हूँ और सब गल गया। अभी मैं गैस में इनको गर्म होने देता हूँ। इसमें मैं राई का तेल डालेगी, क्योंकि मैं राई का तेल ही यूज़ करता है ज़्यादातर। अभी राई का तेल डाला हुआ है इसमें, अभी थोड़ा राई का तेल को गर्म होने देता हूँ। तेल गरम हो चुका है, इसमें मैं तेज़पत्ता, दालचीनी और मैं इसमें स्टर डाला हुआ है। अभी मैं उसको पकने देता हूँ अच्छे से। इसके बाद मैं प्याज डालेंगे इसमें, ये पकने के बाद। अभी मैं इसमें प्याज डाला हुआ है, क्योंकि वो पक चुका था इसलिए मैंने प्याज डाल दिया। उसको प्याज को भी अच्छे से मैं पकने देता हूँ, अभी हिला के देता हूँ। अभी प्याज ब्राउन हो चुका है, इसमें मैं जो टोमेटो काट के रखा था उसको इसमें मैं डाल देता हूँ। टोमेटो को पकने के लिए मैं ढक के रख देता है ढक्कन से, अभी थोड़ा टाइम के लिए। मैं टोमेटो को अच्छे से भून लेता है, जब तक और तेल नहीं छोड़ेंगे तब तक तक मैं उसको भूनेंगे। क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी मिर्ची पाउडर डाला है, कुछ भी नहीं डाला है इसमें, थोड़ा ही डाला है। क्योंकि सब कुछ मिक्स किया हुआ ना, इसलिए मैंने कुछ नहीं डाला। जब तक ये तेल नहीं छोड़ेंगे तब तक मैं उसको भूनते रहेंगे। ढक के रख देता हूँ अभी थोड़ा टाइम के लिए। फिर से देखा मैंने उसको, थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ने का जैसा हो गया, अभी और बाकी है। ये अभी पक चुका है, इसमें मैं अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे आधा गिलास, क्योंकि वो मसाला और अच्छे से पकना है। टमाटो और प्याज को अच्छे से और पकने देता हूँ मैं। अभी अच्छे से पक चुका है, पानी भी सूख गया, इसमें मैं मटन को डाल देता है अभी। हल्का हल्का से हिला के मसाला को मिक्स करेगी अभी। थोड़ा टाइम के लिए ढक के रखा था, अभी उसको फिर से हम हिला के रहता हूँ। मटन को पकने के लिए मैं इसमें आधा गिलास पानी डालता हूँ। अच्छा से पक चुका है, फिर भी उसको और थोड़ा ग्रेवी सूखने के लिए मैं उसको ढक के रख देता हूँ। मटन पक चुका है, मैं इसमें हरा धनिया काट के डाल देता हूँ। मटन करी पक चुका है, मैं उसको एक कटोरी में निकाल के लेता हूँ अभी सब। ये रहा हमारा मटन बॉल करी, हो गया अभी, अच्छा खुशबू आया है। टेस्ट करके देखते हैं अभी, मटन बॉल करी है।